Hi, I'm Dinesh, and in today's video, we are going to learn about another English Chaucerian, John Skelton. So John Skelton was born in 1460 and he died in 1529. He was probably one of the most important, most popular poet in the Age of Revival. Desiderius Erasmus called Skelton the one light and glory of British literature. So therefore, from net GRF exam perspective, John Skelton is our most important English Chaucerian. इसमें से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. अब बात करते हैं जॉन स्केल्टन के कुछ पॉपुलर कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स की. तो उनका फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स बॉगी ऑफ कोर्ट, ये एक स्टायर है अगेंस्ट कोर्ट लाइफ. तो जो कोर्ट की डिसहार्टनिंग लाइफ होती थी उसके अगेंस्ट ये स्टायर है बॉगी ऑफ कोर्ट. इसके नाम में ही है कोर्ट, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं. बॉगी ऑफ कोर्ट इज ए स्टायर अगेंस्ट कोर्ट लाइफ. नेक्स्ट इज कोलिन क्लाउट एंड अदर वर्क व्हाई कम वे नोट टू कोर्ट. ये दोनों वर्क्स, ये दोनों स्टायर्स हैं डायरेक्टेड अगेंस्ट पावर ऑफ कार्डिनल थॉमस वोल्सी. कार्डिनल होता है एक बहुत इम्पोर्टेंट रैंक चर्च में. जो एक पर्सन बहुत अच्छे रैंक पे होता है उसे कहते हैं कार्डिनल. कार्डिनल थॉमस वोल्सी जिनकी चर्च में पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तो उनके अगेंस्ट ये स्टायर हैं दोनों वर्क्स, कोलिन क्लाउट एंड व्हाई कम वे नोट टू कोर्ट. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क इज फिलिप स्पैरो. फिलिप स्पैरो एक लेमेंट है. इसमें एक नॉर्विच स्कूल गर्ल होती है. नॉर्विच नॉर्वे कंट्री जो है, वहाँ के सिटीजन जो होते हैं उन्हें हम नॉर्विच कहते हैं. तो नॉर्वे कंट्री की एक नॉर्विच गर्ल है छोटी स्कूल में जो पढ़ती है, उसका एक पेट बर्ड फिलिप स्पैरो उसे एक कैट मार देती है. तो ये लेमेंट है उस बच्ची का फॉर हर पेट बर्ड. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क है मैग्निफिशेंस. मैग्निफिशेंस एक पॉलिटिकल मोरालिटी प्ले है. मोरालिटी प्ले होते हैं जो किसी ना किसी तरह का कोई मोरल लेसन देती हैं, कोई नैतिक शिक्षा देती हैं. इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो ह्यूमन वाइसेस, ह्यूमन टेंडेंसीज पे बेस्ड होती हैं, जैसे गुड होप, परसिवियरेंस, ये कुछ इसमें कैरेक्टर हैं. आपको स्टोरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि मैग्निफिशेंस एक पॉलिटिकल मोरालिटी प्ले है जॉन स्केल्टन का. Apart from these works, Skelton was famous for his Skeltonic meter. Skeltonic meter होता है short verses of an irregular meter or repetition of short two beat lines with accents. तो I hope आपको John Skelton के जो important works हमने discuss किए हैं इस video में वो सभी अच्छे से समझ आ गए होंगे. अगर आपके कोई doubts या queries हैं तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं. Thanks for watching the video.